बड़ी खबर के साथ हम आपको बता दें कि धनबाद के सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर निगम की कवायद तेज हो चुकी है। मंगलवार को जहां पुलिस लाइन से रणधीर वर्मा चौक तक सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण को निगम ने खाली कराया, वहीं बुधवार को बेकार बांध इलाके में पॉलिटेक्निक रोड से कार्मेल स्कूल तक करीब 400 दुकानों पर निगम ने बुलडोजर चलाया। इस दौरान स्थानीयों ने काफी जोर शोर से विरोध किया, लेकिन निगम भी अपनी सख्ती रवैया अपनाए हुई थी और किसी भी एक ना चली और सभी दुकानों पर बुलडोजर चलाया। अतिक्रमण के दौरान भीड़ से किसी के द्वारा अतिक्रमण के विरोध में पत्थर भी चलाया गया, जिससे एक व्यक्ति का सर फट गया। हालांकि पत्थर चलाने वाले उक्त युवक को निगम के अधिकारियों ने पकड़ लिया है और चोट लगने वाले शख्स को इलाज कराने की बातें कही गई। इधर पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कार्यपालक दंडाधिकारी मोहम्मद अनीस ने बताया कि सड़कों पर अवैध अतिक्रमण की वजह से लगातार जाम की समस्या उत्पन्न होती है। निगम द्वारा इसी के निहित अवैध अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। शहर के जिस जिस इलाके में लोगों ने अवैध अतिक्रमण सड़कों पर कर रहे हैं, उन्हें पहले भी हिदायत दी गई है। दिन प्रतिदिन ये समस्याएं देखने को मिल रही है कि अतिक्रमण के कारण जो है ना जाम की बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है। लोगों को चलने में या स्कूल के टाइम में बहुत ज़्यादा जाम हो रही है। इसी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कल पुलिस लाइन से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक हम लोगों ने ड्राइव चलाया था और आज हम लोगों ने ये पॉलिटेक्निक चौक में हम लोग जो है ये ड्राइव चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक प्रमुख स्कूल है आपका कार्मेल स्कूल है, जिसके कारण बराबर जो है ना जाम लगती रहती है। इसीलिए हम लोगों ने ये अतिक्रमण अभियान चलाया है। आज यह पॉलिटेक्निक चौक तक हम लोग का यह ड्राइव चलेगा, कल हम लोग फिर हीरापुर एरिया में हम लोग कल इसको जो है ना फिर चलाएंगे। हाँ, मुझे सूचना मिली तो तत्काल मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि इस तरह की घटनाएं हुई थी, तो मैंने फिर मामले को शांत किया है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, जो भी कार्य हो वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है किया जाना चाहिए। हाँ, मैंने देखा हो तो मैंने उसको जो है ना तत्काल उसकी जो है तलाश कर रहा था ताकि उसको जो है ना इलाज के लिए मैं अपनी गाड़ी से भेज सकूँ, लेकिन वो लड़का कहीं निकल गया बाहर। हाँ, तो मैं चाहता था कि उसको अपनी गाड़ी से भेज कर उसको इलाज करा सकूँ मैं। उसको अभी हम लोगों ने बैठा के रखा है, लेकिन उससे पहले पूछ लेता हूँ कौन लड़के हैं, यहाँ के हैं या बाहर के लड़के हैं, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई हम लोग देखते क्या करना है उसको।